हेलो हाय वेलकम वेलकम टू लीना गुप्ता शो बातों बातों में। आज हम बातों बातों में बात करेंगे ड्रेसेस के बारे में। ड्रेसेस ऐसी चीज है जिसको सुनते ही ड्रेसेस का नाम सुनते ही हमें ग्लैमर लाइफ और काफी ऐसी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं कि रंग बिरंगे कलर्स ड्रेसेस और अपने आप को हम उसी ड्रेसेस में इमेजिन करने लगते हैं। तो ड्रेसेस का बहुत बड़ा मुकाम है हमारी लाइफ में और काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर हमने अच्छे से ड्रेस अप पहने तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है। हम बहुत कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कभी आप कभी कोई ऐसी ड्रेस पहनकर बैठे हैं कि पूजे पूजे से घर में आलस, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत स्लो हो गए हैं, लेजी हैं, लेकिन वहीं पर आप बहुत अच्छे से जब ड्रेसअप होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी डिजाइनर हैं चित्रा शर्मा जी, जो कि विम वाओ उनका ब्रांड है। वेलकम टू चित्रा शर्मा। कैसे हो? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया। और हम जब चित्रा जी से बात करना शुरू करें, पहले हम उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो एक नजर उनकी लाइफ के बारे में। जैसे कि हमने भी बताया आपको कि हमारे स्टूडियो में आ जाएंगी हैं चित्रा शर्मा जी, तो जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर हैं। वो उनका जो डिज़ाइन के प्रति, ड्रेसेस के प्रति उनका पैशन है। तो हम बात करते हैं आप चित्रा शर्मा जी से। तो चित्रा, कैसे आप इस लाइन में आए, कैसे आपको मतलब इस डिज़ाइनिंग का, क्या आपको शौक बचपन से है या बाद में हुआ, क्या है, आप थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ये डिज़ाइनिंग का शौक बचपन से ही है। और एक्चुअली मेरे फादर जो है वो खुद फैशन डिजाइनर रहे हैं, तो उनको देख देख के मेरा खुद फैशन यही बन गया कि हाँ, मुझे भी बड़े होकर फैशन डिजाइनर ही बनना है। अच्छा, उस वजह से ही मैं इस लाइन में हूँ। तो आप डिजाइन जो करते हैं वो आप प्रॉपरली, आपने कहीं से एजुकेशन लिया है, कहीं से आपने सीखा है? हाँ, मैंने सीखा भी है, मैंने पूरा इसका डिप्लोमा कोर्स किया है और उसके बाद ही मैंने फिर इसमें ज्वाइन किया। फिर अपने फादर से भी मैंने सीखा ही था, तो उसके बाद फिर मैंने ये लाइन। तो चित्रा जी, कुछ हम अपने दर्शकों के साथ आपके कुछ डिजाइन शेयर करना चाहेंगे, कुछ दिखाना चाहेंगे, तो कुछ आपके डिजाइन हम देखते हैं। वाओ, बहुत अच्छे आपके डिजाइन हैं, बहुत अच्छा लगा। आप ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी का कैसे स्टार्ट की, कब से स्टार्ट की, किस कौन इंस्पिरेशन रहा आपका? मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी 2011 में, जब मैंने इसका कोर्स किया था। और वैसे मेरी इंस्पिरेशन है मेरे फादर ही रहे हैं हमेशा से, तो मेरी इंस्पिरेशन ही मेरे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने ही मुझे सबसे पहले सब सिखाया है। उसके बाद फिर मैंने एक एजुकेशन के तौर पर कि हाँ भाई, एक प्रोफेशनल में जाना है, इसको करना है, तो मैंने उसको फिर डिप्लोमा भी करा। तो कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमें, कैसे आपने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट ये करा था, सबसे पहले मैंने अपना इसका कोर्स किया था 2011 में, उसके बाद फिर मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया, देन उसके बाद मैंने अपना सेलिब्रिटीज़ के लिए भी, अब मैं डिज़ाइनर अटायर्स बनाती हूँ और क्या कहते हैं, मैंने फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया है, आपके वेडजिला में भी पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कई शोज हैं और मैंने कई सेलिब्रिटीज के लिए भी अटायर्स डिजाइन करे हैं, सपना चौधरी है, सबा खान है, अरे वाह, और अब जानवी सांगवान के लिए भी मैं डिजाइन कर रही हूँ। ओके, नाइस।
अच्छा आप एक चीज और बताएं कि जैसे आपके घर में सपोर्ट जो रहा, आपके फादर का सपोर्ट रहा, आपने अपने फादर से इंस्पिरेशन लिया, तो बाकी और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? जैसे आप काम करती हैं तो क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं पूरा? हाँ, शुरू में तो थोड़ा सा सबको लगता ही है कि भाई लड़की है जिसको मैरिज करनी चाहिए, ये सब चीजें आती ही हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं जब मैं इस लाइन में आ ही गई हूँ तो फिर फैमिली का सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो अभी इसका इसमें है पैशन है, ये करना चाहती है तो इसे करने देते हैं। हाँ, और अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आपका बचपन, हर एक इंसान का होता है कि बहुत डिफर होता है आपका बचपन और आपका जवानी, तो आपका बचपन कैसा रहा? आप चुलबुली थी या आप सीधी सादी शरीक सी बच्ची थी, क्या था? नहीं नहीं, बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही शैतान ही रहे हैं हम, और पापा की बहुत ज़्यादा लाडले भी रहे हैं, तो उस वजह से जो है मेरे को अच्छे से याद है। मेरे को अगर कुछ हो जाता था किसी भी, मैं वैसे भी घर में सबसे छोटी हूँ, तो किसी की वजह से मेरे को अगर कुछ हो जाता था तो पापा उसकी अच्छे से क्लास ले लेते थे। तो मतलब पापा की परी। हाँ, झूले पे झूला झूला झूलूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उस टाइम पे झूला खाली नहीं था, तो मेरे भाई ने बोला कि जब तुझे गेट होता है ना पार्क का, तो वहाँ पे उसने कहा कि तू इस पे खड़ी हो जा, मैं तुझे इसको ऐसे ऐसे करके झुला दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो मुझे ऐसे ऐसे करके झुला रहे थे, तो एकदम से उनका हाथ छूट गया उस पे से, वो गेट जो है जाके सीधे दीवार में लगा, और इनके जहाँ मैं खड़ी थी अनफॉर्चुनेटली वहीं पर ही जो है उसकी वेल्डिंग की जॉइंट का वेल्डिंग का वो हुआ था, तो वो मेरे ठीक यहाँ पे लग गया, और वो जब मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, और पार्क भी काफ़ी दूर था घर से, तो जब मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है मेरे भाई ऐसे डर के कांप गए, फिर क्या पापा को पता चलेगा तो बस मेरी तरफ से क्लास लग जाएगी अच्छे से। और बहुत देर तक मैं वो रही, और जैसे पापा को घर में पता चला वो इतने परेशान हो गए बहुत ज्यादा। चित्रा जी, आप जैसे बचपन का आपने बताया बहुत चुलबुली थी, अपने पापा की लाडली थी, तो आपका एजुकेशन में क्या था कि आपका एजुकेशन मतलब पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में काफी अच्छी थी या नॉर्मल एवरेज थे या उस टाइम में भी कह सकते हो? मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, जब मैं छोटी थी जब तो मैं स्कूल जाने से बहुत ज्यादा रो करती थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मार पड़ेगी, ये होएगा, मुझे खेलना है, तो बचपन में तो इतना नहीं था, लेकिन हाँ बस ये था कि पढ़ने का तो शौक था कि हाँ पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ने का तो शौक रहा है। और आपका जैसे मैंने सुना है कि आपकी एजुकेशन बीच में थोड़ा सा रुक गई थी कुछ टाइम के लिए, तो आपने दोबारा रीस्टार्ट किया, तो ऐसे क्या हुआ था? वो एक्चुअली मेरे फादर जो है हार्ट पेशेंट थे, तो उस वजह से हमारे सभी बच्चों की जो बीच में पढ़ाई छूट गई थी, हाँ, तो उस वजह से, बट फिर यही था कि लाइफ में कुछ करना है, तो उस हिसाब से फिर हमने दोबारा से फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर दी। और चित्रा जी, आप बताएं अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ, आपका मतलब कि लाइफ कैसे एंजॉय क्या करते हैं? ठीक है, आपका पैशन है ड्रेसेस का या कुछ, तो बाकी और कौन से आपके शौक हैं, हॉबीज हैं जो आप करते हैं? फ्रेंड्स तो मेरे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन हाँ जितने भी मिले हैं सब फ्रेंड्स ही बने हैं, और हम तीन हैं जो बेस्टीज रहे हैं हमेशा से और अभी भी हैं, निर्मल और शालिनी नाम है उनका, और मैं तो कॉलेज लाइफ से ही हम लोग साथ से हैं, 10 ईयर्स हो गए हमारे को, तो अभी भी साथ हैं आप लोग? अभी भी साथ हैं, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत फनी, और कहीं भी जाते थे हम लोग जब भी हमारी छुट्टी होती थी, वैसे तो संडे संडे मेरी कॉलेज की क्लासेज रहती थी, लेकिन जब भी मेरी कॉलेज की क्लासेज खत्म हो जाती थी तो एवरी संडे हम लोग जो है घूमने निकल जाते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट जो अपने फ्रेंड्स के साथ आपने एंजॉय किया हो जो आप शेयर करना चाहती हो हमारे साथ? ऐसे तो हमेशा ही रहते हैं कि हमने हमेशा ही मस्ती करी है, हमेशा ही जब भी मिलते हैं सेल्फी लेना, घूमना, पिक्चर्स जाना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एक बार ऐसी जो हम लोग मार्केट गए थे और आते टाइम पे हमारा ऑटो खराब हो गया था, तो हम लोग जो है रास्ते में खड़े हुए थे, तो फिर हमने क्या कि क्या करें, तो हम लोग ब्रिज पर खड़े हुए सेल्फीज ले रहे थे उठपटांग से, तो बहुत ज़्यादा फनी रहता है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बस सब लाइफ जो है वो लोग एंजॉय, जो भी देखता है कहते हैं तो तीनों पागल हैं।
तो मतलब आप खूब एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, काम के टाइम पे खूब काम करते हैं और उसके टाइम में, तो आपने जैसे सेलिब्रिटीज के लिए आपने काम किया है, तो किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस, या फिर कई बार होता है कि सेलिब्रिटीज आपको पता है कि काफी होता है उनके नखरे होते हैं, कुछ होता है, तो आपने ऐसा कुछ किया है लाइफ में एक्सपीरियंस? नहीं झूठ, अभी ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, अभी तक तो सबके साथ अच्छा ही रहा है। चित्रा जी, आपके हार्ड वर्किंग की तो हमने सुन रखी है काफी चीजें, मैंने एक कुछ एक सुना था एक फैशन शो के में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, क्या हुआ था वो सब? हाँ, वो एक्चुअली अभी जो है लॉकडाउन के टाइम पे से पहले हमारा जो शो होने वाला था फैशन शो, तो उसके लिए मैंने सारी ड्रेसेस वगैरह रेडी कर ली थी मॉडल्स की, बट उसके अब लॉकडाउन हो गया एकदम से, तो हम लोग शो रुक गया था। अब लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमारा शो हुआ, तो हमने जब मैं लेके गई वहाँ पे ड्रेसेस, तो सबको जो है वो टाइट आ गई, तो मैं बहुत टेंस हो गई थी कि अब कैसे होगा एकदम से अचानक से, फिर अंदर से मेरे को हुआ कि नहीं अब करना है, तो मैंने फिर वहीं के वहीं हैंड टू हैंड सबकी जो है स्टार्ट स्टिचिंग खोली, और उनको मैंने फिर मैं एक्स्ट्रा अंदर लगा के रखी, तो मैंने उसको ओपन करके उनको वहीं के वहीं करके दी, फिट कर दी, फिट कर दी मैंने कि भाई ये करना है, रुकना नहीं चाहिए, इसी को बोलते शौक मस्त हो। हो जाती है कई बार कि हाँ, कई कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं कि हाँ भाई नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा करते हैं, तो चीज बहुत करनी पड़ जाती है कि नहीं फिर भी होता है कि नहीं करना है। नहीं, आप काफी हार्ड वर्किंग है, आपका काम हमने देखा है, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। चित्रा जी, जैसे कि लोगों को देखकर लगता है कि डिजाइनर है, डिजाइनर ड्रेसेस बहुत कॉस्टली आती हैं, तो पता नहीं हम इनसे कांटेक्ट करें या ना करें, तो आपका मतलब क्या रहता है कि जो आपकी ड्रेसेस हैं वो स्टार्टिंग बजट काफी हाई है या नॉर्मल है, किस तरीके से आप ड्रेसेस करते हैं, क्या है आपका? मैं हर तरह की टाइप्स में बनाती हूँ ड्रेसेस, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी की बनाती हूँ या मैं एकदम लो क्वालिटी की बनाती हूँ, मेरी हर टाइप्स की मेरे पास मिलेगी ड्रेस आपको। मैं रेगुलर जो कैजुअल वेयर भी बनाती हूँ, मैं पार्टी वेयर भी बनाती हूँ, ट्रेडिशनल वेयर भी बनाती हूँ, एवरी टाइप ऑफ वेयर मैं बनाती हूँ। आपसे अगर कस्टमाइज करवाना हो तो कस्टमाइज भी आप कर देती हैं? हाँ। तो जैसे अब शादी का सीजन आ रहा है, मैरिज सीजन आ रहा है, तो वैसे तो आजकल वैसे ही वेडिंग्स में हो गया कि बहुत कम लोग आएंगे, बहुत कम ड्रेसेस यूज होते हैं, फिर भी लेकिन वेडिंग सीजन तो वेडिंग ही है, तो आप किस हिसाब से, जैसे होता है कि अगर मेरा बजट जो है तो आप उस बजट में आप ड्रेसेस रेडी हो जाती हैं, या मतलब किस तरीके से आप कर देती हैं या आप मना कर देती हैं? नहीं देखो, एक तरह तो होता है यानी एक मिनिमम से मिनिमम कितना तक में हो कि हाँ भी इतने तक में तो हो जाएगी, तो वो चीज हो जाती है, अगर बहुत ही ज्यादा होता है तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं यही करती हूँ कि कस्टमर को दिक्कत ना हो और हो जाएगा। ये क्योंकि क्या है कि आजकल आपको पता है कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं कि लोगों के पास पैसा तो थोड़ा कम है, लेकिन चीजें वो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो उतनी ही होती हैं, तो लेकिन उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कम बजट में बहुत अच्छी सी चीज आप रेडी कर दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी के हिसाब से करती है। जैसे आजकल तो होता है ना डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है और उनके अलग अलग थीम्स होते हैं, तो आप थीम बेस्ड भी करती है? थीम देख पे भी बनाती हूँ सबका, जैसे कि भाई किसी का राजस्थान थीम्स हो गई, किसी की गुजरात थीम्स हो गई, किसी का कोई वैसी होती है, तो अलग अलग थीम्स का होता है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। तो अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर चित्रा शर्मा जी से आपको मिलना है, बात करना है या फिर उनसे ड्रेसेस कस्टमाइज करानी है, तो हम उनके जो उनके बजट में चित्रा शर्मा जी उनकी ड्रेसेस रेडी कर देंगी जरूर। ठीक है, बहुत बड़ी डिजाइनर है सब कुछ है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल काम भी वो करती हैं और आपको अच्छे आपके बजट में आपको बेस्ट जो भी उनसे हो पाता है वो आपको कर देंगी। तो मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहूंगी कि अगर आप एक बार चित्रा शर्मा जी से जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनकी ड्रेसेस ट्राई कीजिए, और अगर आपको उनका वर्क देखना है तो आप मेरे को देख सकते हैं, जो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है चित्रा जी मेरे लिए आज शो के लिए लेकर आई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, और इसकी फिटिंग, जबकि मैंने इनको सिर्फ ऐसे ही मेजरमेंट दिया था, तो इनकी फिटिंग देखिए, उसका वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाकर दिया है, और आप लोग देख ही रहे होंगे उनका काम देख सकते हैं, उनकी ड्रेस बहुत औसम है, मुझे बहुत पसंद आई और एक सरप्राइज भी था मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों से भी मेरा एक गुजारिश है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कुछ आपके यहाँ वेडिंग हो या कुछ भी ऐसा कुछ होता है
तो आप एक बार जरूर चित्रा शर्मा जी से मिलिए या फिर उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनके जितने भी लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम लिंक्स हो गए या फिर उनके एफबी लिंक्स हैं, उनके फोन नंबर सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनसे आप अपने ड्रेसेस सिलवा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं और उनकी खुद की जो कलेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। तो चित्रा शर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप आए, अपना कीमती वक्त हमको दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, उनसे इतनी सारी बातें करी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने मेरे बारे में सबको बताया, थैंक यू अगेन, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ओके तोड़ेंगे सम्मद तेरा साथ।